Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut mein shaniwar ki sham, shahar Sarafa Bazaar mein Sarraf Sunil Kumar Verma, up Pinto se badmashon ne hathiyaron ke bal par 13.5 lakh rupaye ki nagdi loot li. Sunil Kumar kahin se takada lekar ghar laut rahe the. तभी उनके साथ बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। मौके पर पुलिस के आला अफसर पहुंच गए हैं। यह वारदात शनिवार की शाम नंदराम चौक पर सर्राफ सुनील कुमार वर्मा से उनके घर के बाहर हुई है। उनके श्रीराम कॉम्प्लेक्स नील की गली थाना दिल्ली गेट में सर्राफ की दुकान है। देखिए नंदराम का जो वहीं के व्यापारी तो मान इनकी इसमें दिल्ली गठ के घर है कोतवाली का। हमारे सर्राफा बाजार के व्यापारी हैं सुनील वर्मा जी। आपका बुलियन का काम है, बुलियन का मतलब प्योर गोल्ड का लेने और बेचने का, तो उसी में ये रोज रूटीन में अपने 7 बजे के लगभग दुकान से अपने घर पर आते हैं। तो वो घर की तरफ को चले थे दुकान से, जो श्रीराम पैलेस में नील की गली में उनकी दुकान है, और चौक नंदराम तक पहुँचे जो उनके भाई का घर था। उसके घर में वो व्यापारी तो अंदर चले गए, उनके कर्मचारी थोड़ा पीछे थे, वो आ रहे हैं। जब आ रहे हैं कर्मचारी को, तो उनके घर के भाई के घर के थोड़ा सा आगे 3 लोगों ने कवर कर लिया गन पॉइंट पे, और कवर करके उनके बैग में जो 13.5 लाख रुपये थे वो बैग सहित लूट कर भाग गए। इन्होंने उनके भतीजे के साथ, जो सुनील वर्मा जी थे उनके भतीजे के साथ उनके पीछे भागे, लेकिन भागने पर उन्होंने दोबारा उनको तमंचा दिखाया तो वो घबरा कर पीछे हटे और वो तीनों लोग एक ही करिश्मा बाइक पर भाग गए। उनमें से एक टोपी पहने हुए, एक साफा बांधे हुए, और तीनों लोग काफ़ी देर से, यहाँ फुटेज देख रही है पुलिस, तो उसमें काफ़ी देर से ये लोग फील्डिंग लगाए हुए थे। अनुज क्या घटना हुई? मैं पैसे दुकान बंद करके पैसे रख के लाला 13.5 लाख रुपये बैग में, पिट्ठू वाले बैग में थे। लाला जी मेरे साथ आगे थे, मैं पीछे पीछे था इनके, तो ये रोड डेली यहीं खड़े हो जाऊँगा था बाहर गेट पर ही, इन दोनों फिर साथ जाऊँगा थे। आज ही मुझे दिखे नहीं, मैं सोचा घर चले गए दिखे, फिर मैं घर जा रहा था 10 कदम पे ही आगे उन्होंने 3 लड़के आए, एक ने मेरे हाथ पकड़े और एक ने कट्टा लगाया मेरे कन्न कटे हुए, और जी एक ने बैग छीन गया और मुझे धक्का दे गया निकल गया। मैं बहुत इतने चिल्लाया और क्या कहा, मैं इतने भाई वापस घर में आया ना वापसी, एक भैया उड़ता यहाँ से भैया को लेकर गया, दोनों भाग के गए, तो लड़के आगे खड़े थे तीनों बाइक पर, 2 तो बैठ गए थे, एक नहीं बैठा था। तो जब जो बैठा नहीं था ना, तो उसने कट्टा निकाल के वापसी फिर मेरे तक कुनू करा, हम दोनों के लिए हमारे को करा, हम दोनों डर के मारे फिर मैं रुक गया, फिर वो बैठ के निकल गए, फिर हम आगे नहीं गए। बाइक का नंबर वगैरह नहीं भैया कुछ नहीं, कौन सी बाइक था? करिश्मा बता रहे सब आगे, मैंने मुझे बाइक में नहीं पता कौन सा, पर आगे लड़के कह रहे करिश्मा है गाड़ी। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक सुनील कुमार वर्मा जी हैं, इनका सर्राफा मार्केट में नील गली में सर्राफे का काम है। रोज की भांति ये शाम 7 बजे के लगभग पैदल अपने घर के लिए आ रहे थे। इनके पीछे इनका सर्वेंट अनुज भी आ रहा था। ये रास्ते में अपनी माँ के घर रुक गए थे। जब इनका सर्वेंट पीछे से वहाँ पर निकला है, उसने रास्ते को क्रॉस किया है, 3 व्यक्तियों के द्वारा उसको गन पॉइंट पर उसका बैग छीन लिया गया है। पुलिस की कई टीमें इस पर काम कर रही हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है, तहरीर प्राप्त होती है, अभी वो पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने की लूट सर बताई जा रही है? ये 13 लाख के लगभग बताई जा रही है, उसमें बैग में कैश होने के बाद। सीसीटीवी में बदमाश चिन्हित हुए? कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको आप हमारे लिए रहने। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।